नमस्कार और हमारे YouTube चैनल Dream Talent पर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ एक और शैक्षिकी वीडियो के साथ हैं। आज हम खेल व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी जो 2015 में विश्व नंबर एक रैंकिंग थी, 17 मार्च 1990 को पैदा हुई, उन्होंने 24 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते जिसमें 10 सुपर सीरीज खिताब शामिल है। उन्होंने ओलंपिक में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। लंदन 2012 में अपनी दूसरी उपस्थिति में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, हम बात कर रहे हैं एक भारतीय प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी की, जिसका नाम साइना नेहवाल है। उन्होंने अपनी मां के राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी बनने के सपने को पूरा करने के लिए बैडमिंटन को अपनाया। आज हम सानिया नेहवाल के बारे में तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता ले, साझा करें और लाइक करें। कृपया अधिक सुझाव के लिए कमेंट करें ताकि हम अपने वीडियो इम्प्रूव कर सकें। उन्हें एक गंभीर घुटने की समस्या हो गई थी और बैडमिंटन को व्यायाम के रूप में स्टार्ट किया गया था। साइना नेहवाल के माता पिता ने शुरू में उनके स्वास्थ्य में सुधार के तरीके के रूप में उन्हें बैडमिंटन प्रशिक्षण में दाखिला दिलाया। साइना नेहवाल स्वाभाविक रूप से दाएं हाथ की हैं, लेकिन साइना नेहवाल में एम्बिडेक्स्ट्रस एबिलिटीज हैं, जिसका अर्थ है कि वह अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा में योगदान देता है। बचपन में साइना नेहवाल क्रिकेट की फैन थी और एक सफल क्रिकेटर बनने का सपना देखती थी। हालांकि बैडमिंटन के लिए उनके लगाव ने अंततः उन्हें पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 2008 में साइना नेहवाल सबसे कम उम्र की एशियाई जूनियर चैंपियन बनी। एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में उनकी जीत ने कम उम्र में उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। साइना नेहवाल डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज में शामिल रही हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समर्थन करना शामिल है। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक बैडमिंटन अकादमी भी स्थापित की। कई खेल पुरस्कारों के अलावा साइना नेहवाल को बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। साइना नेहवाल को किताबें और उपन्यास पढ़ने में गहरी दिलचस्पी है, खासकर उनके डाउन टाइम के दौरान। सानिया नेहवाल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2015 में साइना नेहवाल महिला एकल बैडमिंटन में विश्व नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2010 में साइना नेहवाल ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साइना नेहवाल ने 2009 में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज प्रीमियर खिताब जीता, यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। साइना नेहवाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं, जिसमें 2010 में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण और 2018 में कांस्य शामिल है। साइना नेहवाल विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय थी। उन्होंने 2008 में यह उपलब्धि हासिल की थी। साइना नेहवाल बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण मिला। 2010 में साइना नेहवाल को बैडमिंटन में उनकी उत्कृष्टता के लिए एक और प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साइना नेहवाल को बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियों और कौशल को मान्यता देते हुए 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साइना नेहवाल को 2008 में ESPN स्टार स्पोर्ट्स पुरस्कारों के उद्घाटन में वर्ष की सबसे होनहार खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। साइना नेहवाल को 2010 में खेल श्रेणी में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। साइना नेहवाल अपने समर्थन और उपलब्धियों के कारण फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में लगातार दिखाई दी है। साइना नेहवाल को यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। साइना नेहवाल को 2019 में फिक्की मोस्ट इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। साइना नेहवाल को खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मंगलायतन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।